कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। हमको तो लगता है कि सच्चा मुसलमान का अगर कोई औलाद है इस देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी ही है। तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। भारत जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में सोता नहीं है, उसके कारण ही समस्त भारत चैन की नींद सोता है। दोस्तों बस मासूर की उपाधि दे दी, फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते, राशन नहीं बोलते। उन्होंने मुझे बंदर कहा, वायरस कहा। नेता नगरी के ताजा तरीन एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां नगर डगर घूम रहे राजनेताओं की असल पोल पट्टी खोल करके हम आपके सामने रखते हैं। चलते हैं सीधा राम राज्य में। आजकल मोदी जी हर जगह जा रहे हैं तो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को सब कुछ बांट दिया जाएगा, माताओं बहनों के मंगल सूत्र को भी नहीं छोड़ा जाएगा, मुस्लिम आरक्षण दे दिया। कांग्रेस आ गई तो उसमें मुस्लिम लीग और वामपंथियों की छाप जो है वो पूरी तरीके से लागू हो जाएगी, मुसलमानों का राज आ जाएगा, हिंदुओं को खा जाएंगे, यही बातें सुनने को मिलती है ना। तो इसके ऊपर लोगों ने साफ तौर पर मीडिया में सामने आकर मुख पर बोलना शुरू कर दिया है। बनारस वाले मिश्रा जी ने बनारस से जो है, राम राज्य से जो है, स्पष्ट तौर पर कह दिया कि सच्चे मुसलमान की औलाद कोई है तो मुझे लगता है वो नरेंद्र मोदी ही है। हाँ, ये स्टेटमेंट दिया है, हर वक्त मुसलमान मुसलमान याद आए, इसका मतलब तो वही माई बाप होगा ना। कहा है इन्होंने ये, सुन लीजिए। हमको तो लगता है कि सच्चा मुसलमान का अगर कोई औलाद है इस देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी ही है। जब हर समय विपत्ति में रहते हो किसकी याद आती है, माई बाप का आता है कि नहीं? हंसो मत। जब परेशान रहोगे तब क्या मुंह से निकलता, अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई, हम लोग कहते हैं ना। वो सही, जब चुनाव आएगा तब नरेंद्र मोदी, अरे मुसलमान रे मुसलमान। अब आते हैं कलाकारों के ऊपर। कलाकार कलाकारी बहुत अच्छी कर सकता है, लेकिन नेतागिरी के नाम पर सिर्फ ढोंग ही करेगा, मुद्दों का पता नहीं होगा, चुनाव के समय प्रचार करने आएगा और वापस मुंबई की फ्लाइट पकड़ के वहाँ आराम से अपनी रंगीली दुनिया जीने में व्यस्त हो जाएंगे। कंगना रनौत हिमाचल के मंडी से चुनाव लड़ रही है। भाई साहब, इतना अनाप से अनाप बयान दे रही है, जैसे ही कांग्रेस के कैंडिडेट की घोषणा हुई उसके बाद बौखला गई है मोहतरमा। कह रही हैं कि हम बहुत सारी लखपति दीदियां बनाना चाहते हैं, कांग्रेस बीच में आकर टांग अड़ा देती है, इसलिए उनको टांग न अड़ाएं, इसलिए कांग्रेस को आने ही नहीं देना है। पहले बहुत सारी आतंकी घटनाएँ होती थी, हमारे सैनिकों के सिर काट लिए जाते थे और जहाँ जगह बम विस्फोट रहते थे, अब कहाँ होते हैं। छोटी छोटी समस्याएं बड़ी लग जाती हैं जब कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, तो मतलब रोज़गार, महंगाई, ये आजकल जो बातें कर रही हैं आप, महिलाओं के साथ अन्याय, ये छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बातें जो इन्होंने बताई ना, आतंकवादी वाली, सिर काटने वाली, ये आजकल नहीं हो रही ना, जिस कारण छोटी छोटी लग रही हैं, सुन लीजिए। और सूखा नशा सरकार को बंद कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से, आपको पता भी चल जाएगा। लखपति दीदी बना रहे हैं, महिलाओं को लाखों रुपया दिया जाएगा, ये योजना का आपने फायदा उठाना, ये फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब कांग्रेस की सरकार की टांग इसमें नहीं आएगी। हर जगह अपनी टांग अड़ाने का उनको आदत पड़ गई। कितने किसान सुसाइड करते थे इनके टाइम पे, कितने महिलाओं के रेप होते थे, आज देखिए कहीं भी यूपी में, कहीं भी, कहां भी कोई क्राइम नहीं दिखता है। हुआ क्या हम पर कोई आतंकी हमला, आपने सोचा है कभी? जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें छोटी छोटी मुश्किलें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, ये है वो है, लेकिन आप सोचिए कि वो दिन कहां गए जब हम पे आसपास के पड़ोसी देश कैसा कैसा आक्रमण करते थे और युद्ध चले रहते थे। क्या अभी हम पर किसी ने आक्रमण किया? नहीं। क्या हम पे आतंकी हमले हुए? नहीं। क्या देश में जो है अराजकता हुई? नहीं। इस तरह का डिसिप्लिन, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, इस तरह की जो रक्षा है वो कौन कर रहा है? दोस्तों हमें नहीं भूलना है कि भारत जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में सोता नहीं है, उसके कारण ही समस्त भारत चैन की नींद सोता है। दोस्तों अब कलाकारों की बात हो ही रही है तो मथुरा से मौजूदा सांसद और फिर से मैदान में हेमा मालिनी जी के पास चलते। एक पत्रकार बंधु को इंटरव्यू दिया, उनको कहा कि क्या मैं लोगों के पास जाकर बैठूं, ये मेरा काम है, मेरा काम है यहाँ वहाँ से चीज़ों को मैनेज करना, पार्टी के मैनेजमेंट में सहयोग करना, मीटिंग में जाना और लोगों के बीच में जाऊंगी तो वो क्या करेंगे,
फोटो ही लेंगे ना। हाँ, लोगों के बीच में जाने पर सवाल पूछा जा रहा है तो कह रही हूँ वो फोटो ही लेंगे, बेकार में फोटो लेंगे, वहाँ बैठकर मैं क्या करूँगी, मुझे तो मीटिंग में जाना होता है, वही इनका काम होता है। नहीं जाएंगे भाई साहब ये। जब इस देश का युवा, इस देश के लोग राम नाम के ऊपर किसी कलाकार को राजनेता बना देते हैं तो भाई साहब उनकी इज्जत इनकी नज़र में क्या होगी। और कैमरे के सामने कहने में ये बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे। दर्द तो उस जनता पर आता है जिन्होंने इनको चुनकर लोकसभा में भेजा है। इनकी स्टेटमेंट सुन लीजिए, इनके वोटर्स को किस तरीके से बदनाम होते हुए आपके सामने। ये नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा उनके साथ, दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस देखो, दे हैव गॉट डिफरेंट वर्क फॉर हिम। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। माई ड्यूटी इज व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट आई एम देयर, व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाई एवरी डे आई शुड बी सिटिंग विद एवरीबॉडी। There is no need, but I am doing my work, na? My work is in the office. ये काम ज्यादा जरूरी है कि लोगों में बैठना जरूरी है? लोगों में बैठेंगे फोटो लेंगे और क्या करेंगे? ये तो उत्तर भारत की बातें थी, थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। हैदराबाद से माधवी लता जी बीजेपी की प्रत्याशी हैं, पहले तीर चला रही थी मस्जिद की तरफ, अब ऐसे ऐसे नौटंकी करके मोहतरमा ओबीसी की पतंग काट रही है। वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये महिला अगर उत्तर भारत में होती, राम राज्य जैसे प्रदेश से चुनाव लड़ रही होती तो भाई साहब नंबर वन की नेता होती है। इनका दुर्भाग्य है दक्षिण से चुनाव लड़ रही हैं जहां शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन एक वक्त के लिए अंदाज़ा लगाइए इनकी नौटंकी जो दिखाने वाला उनको देख कर, ये अगर होती उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट में तो इसी के राम नाम के जयकारे गूंज रहे होते, बुलडोज़र का प्रतीक यहीं बन गई होती और हिंदू सुरक्षित इन्हीं के पीछे नज़र आता। इनकी एक्टिंग बाजी देख लीजिए। आचार्य प्रमोद मलिक, नाम तो आपने सुना ही होगा ना भाई साहब। जबरदस्त एक इनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, अमीर और गरीब देखकर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक तरफ चरसोपार का नारा और दूसरी तरफ ये व्यक्ति का इस तरह का स्टेटमेंट और मोदी के कहने पर मठ में जाना, मोदी के साथ इनकी क्लोजनेस क्या दिखाती है? वो चरसोपार और ये जातिगत आरक्षण खत्म करने का नारा दे रहा है। साठ गांठ तो विचारों का आदान प्रदान तो होगा ही नहीं, ये इनकी मानेंगे तो उनको भी इनकी माननी होगी। वीडियो इनका पुराना बताया जा रहा है लेकिन आशय तो निकल कर आ रहा है ना। आज 2024 का जो इनका आयोजन होने वाला था उसमें इन्होंने कहा था कि हम प्रस्ताव लाएंगे कि जातिगत आरक्षण को ख़त्म करके अमीर और गरीब में बांटकर आर्थिक आधार पर देना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन जातिगत आधार पर ख़त्म करने के बाद क्या ये आरक्षण को दोबारा लागू करेंगे? यही तो इस देश की जनता के मन में असल सवाल है, यही तो संविधान विरोधी चेहरा इनका बेनकाब होता है। इनका स्टेटमेंट सुन लीजिए। जो मेरे इस कथन से सहमत है अगर हाथ खड़े करके मुझे, तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। मोहन यादव जी हैं, नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, शिवराज को साइड करके इनको टपकाया गया है, तो जो छवि दिखती है वैसे ही तो बात करेंगे ना। जो मन में होगा वही दिमाग में होगा और वही जुबान पर होगा। जो अनाज हम लेते हैं जिसके सहारे आप सोच रहे हैं कि हमारा जीवन यापन आराम से हो जाएगा, बेशक से हम बंधुआ मजदूर बनकर कहीं पड़े रहें, किसी के गुलाम हो जाएं, उसी 5 किलो राशन को लेकर जो मोदी जी दम्ब भरते हैं कि इसको कंटिन्यू करेंगे, हमने दे दिया देखिए राशन, कोविड में लोगों को भूखा नहीं मरने दिया, ऐसे ही देते रहेंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े डेंगे हाँकते हैं। असल में इनके मन में उस 5 किलो राशन को लेकर क्या है विचार, वो दिखाना चाहूँगा। फोकट में जो राशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, 5 किलो राशन को, ये शब्द के साथ मोहन यादव जी सुन लीजिए। और अपना राशन क्या बोलते, राशन ही बोलते हैं यहाँ पे, फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते, राशन ही बोलते। कौन कौन क्या मिलता राशन, जरा हाथ खड़े करो। यहाँ से मतलब ये राम राज में मिलता था, अपने राज में मिलता, मोदी राज के लिए जोरदार ताली बजाओ हर एक के घर में। अब जाते जाते मोदी जी का एक भाषण सुनाना चाहूंगा जो बहुत ही वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि विपक्ष वाले मुझे पागल कुत्ता कह रहे हैं और भी बहुत सारे नामों से संबोधित कर रहे हैं जिसको मैं अपने मुख से कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन खुद ही कह रहे हैं कि मुझे इन्हीं नामों से संबोधित किया जा रहा है। बड़े मजे ले रहे हैं लोग और कमेंट में लिख रहे हैं इस वीडियो के,
कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया है। मोदी जी स्पष्टीकरण दीजिए और आप भी शायद ऐसा ही कहें। जाते जाते मजाक के तौर पर मजे ले लीजिए मोदी जी की वीडियो जो जबरदस्त वायरल हो रही है आपके सामने। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे बसमासूर की उपाधि दे दी। उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रैबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोलने वाला, मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया, निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरला।